Morning, class 7. Welcome to new session. Today I am going to teach you science of chapter 1 named Nutrition in Plants. These headings will cover the all chapter. First heading is Nutrition, the autotrophic nutrition, the heterotrophic nutrition and replenishment of nutrients in the soil. First of all, we come to the nutrition. Nutrition kya hai? Poshan. The process of taking in food and its utilization by the body is called nutrition. There are two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First is autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple substances is called autotrophic nutrition. Plants are able to prepare their own food, so they are called producers. They prepare their own food by the process of photosynthesis. Photosynthesis is the process in which plants prepare their food with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Here is the diagram which is showing the process of photosynthesis in plant. The root of the plant is taking water from the soil and sun is giving its own light. Plant is also taking carbon dioxide from the atmosphere and the leaves have the chlorophyll. Here is the equation, the formula of carbon dioxide. It reacts with water. In the presence of sunlight and chlorophyll, carbohydrate C6H12O6 is formed. Beside this, oxygen releases in the atmosphere. Leaves is the site of photosynthesis. Leaves में ही photosynthesis की क्रिया होती है. जो पत्तियाँ हरी होती हैं, केवल वही सक्षम होती हैं photosynthesis करने में. परंतु जिन पत्तियों का रंग हरा नहीं होता, वो photosynthesis में सक्षम नहीं होती. कुछ ऐसी पत्तियाँ भी होती हैं, जिनमें green और yellow color के patches पाए जाते हैं. केवल फोटोसिंथेसिस की क्रिया केवल उनके ग्रीन पार्ट से ही हो पाती है. यहाँ पे हम आपको एक एक्टिविटी बताएंगे जिससे ये प्रूव होगा कि पत्ती में कार्बोहाइड्रेट बना है. इसके लिए हम एक प्लांट लेते हैं और उसकी एक पत्ती पे टेप लगा देते हैं. प्लांट को धूप में रखते हैं. कुछ दिनों के बाद प्लांट की एक पत्ती को अल्कोहल में डालकर उबाल कर उसका ग्रीन रंग हटा देते हैं और उसे चेक करने के लिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बना है या नहीं, हम आयोडीन से उसकी चेकिंग करते हैं. जब हम आयोडीन की कुछ बूंदों को उस पत्ती के ऊपर डाल देते हैं और उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इससे ये प्रूव होता है कि पत्ती में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है. Now the second mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. तो उनका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड से होता है. इस तरह के प्लांट चार तरह के हो सकते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट और सिम्बियोटिक प्लांट. पहला है पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जो दूसरे प्लांट के ऊपर अपनी जीविका के लिए आश्रित होते हैं. इसका एक उदाहरण है कस्कुटा अमरबेल. इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जो अपने होस्ट के चारों ओर लिपटकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है.
मिसलेटो भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो पार्शियल पैरासाइट पैरासिटिक प्लांट कहा जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल तो होता है लेकिन वो पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने होस्ट पर डिपेंड होता है। नाउ द थर्ड वन इज सैप्रोफिटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स जो नॉन ग्रीन होते हैं और डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी। बरसात के दिनों में अक्सर हम अम्ब्रेला के जैसा कोई स्ट्रक्चर देखते हैं जो जिसे मशरूम कहा जाता है। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस बट दे ग्रो इन द डर्टी प्लेस। द वाइट पैचेस ऑन आवर अनयूज्ड शूज और स्कूल बैग्स लिफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम आर ऑल्सो कॉल्ड फंगस। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू शो यू अ एक्टिविटी दैट टू ग्रो एंड ऑब्जर्व फंगी। हम कैसे फंगी को ग्रो कर सकते हैं और उसे कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रेड के एक स्लाइस की, ग्लास प्लेट की, पेट्री डिश की और एक माइक्रोस्कोप की। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस को शीशे की प्लेट में रखकर उसको हल्का सा गीला करेंगे। कीप द ग्लास प्लेट इन द मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, इसे हम एक गर्म स्थान पर रखकर उसे पेट्री डिश से ढक देंगे। दो तीन दिन के बाद उसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आया है। हम क्या देखेंगे कि उसमें कॉटन की तरह से थ्रेड हैं जिसे हाइफी कहते हैं। ये कॉटन ग्रोथ या हाइफी ही फंगस हैं जो ब्रेड में लग गए हैं। तीसरी तरह का हेटरोट्रॉफिक प्लांट होता है इंसेक्टिवोरस। ये वो प्लांट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ये इंसेक्ट इनका भोजन होते हैं। इन्हें गॉड ने स्पेशल तरह से बनाया होता है। इनकी कुछ पत्तियां, एग्जांपल के तौर पे पिचर प्लांट, इसकी पत्तियां पिचर का आकार ले लेती हैं और कुछ पत्ती उसके ढक्कन का काम करती है। इसमें एक अलग तरह की सुगंध होती है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इसकी ओर आते हैं और अंदर जाकर हेयर्स में फंस जाते हैं। फिर इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट होता है जो इसे अपने अंदर पचा लेता है। इस तरह के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। फोर्थ द नेक्स्ट वन इज सिम्बियोटिक प्लांट। ये सिम्बियोटिक प्लांट होते हैं, ये अकेले नहीं रहते, ये दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सिम्बियोटिक प्लांट्स। जो एक दूसरे से शेयर करके रहते हैं उन्हें सिम्बियोटिक प्लांट कहते हैं। दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इसका एक एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस एसोसिएशन। ये बना होता है फंगस से और एल्गी से। इसमें फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू एल्गी विच इन टर्न प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। बोथ द प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो बच्चों, ये चार तरह के हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल। प्लांट्स टेक अप मिनरल्स लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉयल। जब कहीं पे सॉयल में पौधे बोए जाते हैं तो पौधे उस सॉयल से एब्जॉर्ब करते हैं पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ दीज मिनरल्स इन द सॉयल कीप्स डिक्लाइनिंग। इस तरह से वहाँ पे मिनरल्स का घटने लगते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है। इसकी फर्टिलिटी को दोबारा लाने के लिए किसान उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करते हैं।
इसी तरह से द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल बाय प्लांट्स, प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लें इस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जैसे ग्राम, एपीज एंड अदर लेग्यूमिनियस प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स देम नाइट्रोजन, ये पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, इसके बदले में ये प्लांट से फूड और शेल्टर लेता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है। दिस एसोसिएशन इज बेनिफिशियल फॉर फार्मर एज इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र की नीड को पूरा कर देते हैं, ये किसान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, दिस इज वेरी एंड वेरी इजी चैप्टर। नाउ we are going to finish here and we will meet you in the next chapter. Goodbye.